वेलकम टू माय चैनल बीइंग वुमन। मेरा नाम है भावना और इस वीडियो में मैंने बीट रूट पराठा की रेसिपी शेयर करी है। ये पराठा गर्भवती महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि हम इसमें डालने वाले हैं बहुत सारा बीट रूट जो आयरन का भंडार माना जाता है। आयरन से हमारी बॉडी में बहुत सारा खून बनता है। तो चलो फिर फटाफट ये हेल्दी और टेस्टी पराठा कैसे बनता है उसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो बीटरूट पराठा बनाने के लिए पहले हमें चाहिए होगा एक बीटरूट मीडियम साइज का, जिसे हमें मोटा मोटा काट लेना है। फिर पराठों का टेस्ट एनहेंस करने के लिए हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च और 1 छोटा अदरक का टुकड़ा। मिर्च और अदरक को भी बड़ा बड़ा काट लेना है। अब हमें बिना पानी डाले इन सब की मिक्सर में एकदम फाइन पेस्ट बना लेनी है। तो देखिए, ये रही हमारी पेस्ट, इसमें हमने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। अब एक परात में बीट रूट की ये पेस्ट ट्रांसफर कर लीजिए। फिर हमें लेना है 1.5 कप गेहूं का आटा। पराठों का टेस्ट और ज्यादा बढ़ाने के लिए इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून या तो फिर स्वाद अनुसार नमक। बस मसालों में इतना ही डालना है, क्योंकि अदरक और मिर्ची तो हमने पेस्ट में डाली ही है, तो इन सबसे पराठों का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ जाता है। और फिर हमें डालना है 1 टेबल स्पून तेल। मैंने मूंगफली का तेल लिया है, आप अपने घर में जो भी यूज करते हैं वो ले सकते हैं। बस अब अपने हाथों से आटा गूंदते जाइए। पराठों के लिए आटा रोटी से थोड़ा सॉफ्ट रखना है, तो ही पराठे सॉफ्ट बनेंगे। अब अगर आप 1.5 कप सूखा आटा और 1 मीडियम साइज का बीटरूट लेते हैं, तो आपको ये आटा गूंदने के लिए बिल्कुल भी पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर आपको लगता है कि आटा एकदम सॉफ्ट नहीं बन रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी गूंदने के लिए डाल सकते हैं। अब जब डो रेडी हो जाए, तब इस पे 1/4 टीस्पून जितना तेल डालिए और फिर इस आटे को मिनिमम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। एंड में आटे पे तेल लगाने से और 10 मिनट जितना रेस्ट देने से पराठे एकदम सॉफ्ट बनते हैं। तो अब 10-15 मिनट हो गई है, फिर से एक बार आटे को एकदम अच्छे से गूंद लीजिए। देखिए, आटा भी एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो चलो अब फटाफट इसके पराठे बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। फिर रोटी के लिए लेते हैं, उससे थोड़ा सा बड़ा आटे का गोला लेंगे। ये पराठे मैं मेरे बेटे के लिए बना रही हूँ, तो अलग अलग शेप के बनाऊंगी। एक पराठा राउंड शेप का बनाऊंगी, एक ट्राइंगल शेप का बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों को अलग अलग शेप के चीजें खाना अच्छा लगता है। तो पहला पराठा मैंने राउंड शेप का बनाया है, तो तवा भी गर्म हो गया है, तो चलो इसे सेक लेते हैं। अगर आपको फूला फूला पराठा बनाना है, तो पराठे की पहली साइड स्लो फ्लेम पे सेकिए, और ये पहली साइड हमें थोड़ी सी ही सेकनी है। तो ऊपर थोड़े से जब बबल उठने लगे, तो साइड पलट देनी है, और फिर हम इस पे ड्रिजल करेंगे थोड़ा सा तेल, या तो आपको घी डालना है तो घी भी यूज कर सकते हैं। अब ये तेल या घी पराठे के दोनों साइड लग जाए, उसके लिए मैं पराठे को दोनों साइड घुमा लूंगी एक बार, और फिर गैस की फ्लेम हाई कर दूंगी। देखिए, पराठे का आटा हमने सॉफ्ट गूंदा था और पराठे की पहली साइड हमने ज्यादा सिकी नहीं है, इसलिए ये पराठा अपने आप फूलता जा रहा है। बस अब इस तरह से पराठे की दोनों साइड सेक लेनी है। गैस की फ्लेम हमने हाई पे रखी है, इसलिए पराठे से ध्यान मत हटाना, वरना ये पराठा जल जाएगा फटाफट। ये पराठा मैंने बच्चे के लिए बनाया है, तो इस पे 1 स्पून जितना घी डालना तो बनता है। आप चाहे तो होममेड बटर भी यूज कर सकते हैं, और वैसे भी ये पराठा बहुत ही जल्द ड्राई हो जाता है, तो उसके लिए भी पराठे के बनने के बाद इस पे घी या बटर डालना बेटर है। तो मेरा राउंड शेप का पराठा तो रेडी है, अब ट्रायंगल शेप का बना लेते हैं। तो उसके लिए वापिस से आटे का थोड़ा सा बड़ा गोला लेंगे, जिसको पहले राउंड शेप में ही बेल लेंगे। फिर इस पे थोड़ा सा घी लगाना है और थोड़ा सा सूखा आटा डालना है। अब पहले इसको ऐसे हाफ फोल्ड करेंगे और वापिस से ऐसे हाफ फोल्ड करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारा ट्रायंगल शेप बन जाएगा। अब हम इसे बेल लेंगे। ट्रायंगल का शेप खराब ना हो, उस तरह से इसके कॉर्नर्स को हल्के हाथों से बेलना है। तो हमारा ट्रायंगल भी रेडी है, चलो इसे भी सेक लेते हैं। और अगेन इस पे भी हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे, और बस इस तरह से हमारे बीट रूट के पराठे रेडी हो जाते हैं। इसे आप सब्जी, दही, अचार, चटनी किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं, और ऐसे ही अगर खाएंगे तो भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये पराठे एकदम फटाफट बन के रेडी हो जाते हैं, तो आप इसे ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। बच्चों को भी ब्रेकफास्ट में ऐसे पराठे खाना अच्छा लगता है। तो बीट रूट के एकदम हेल्दी और फटाफट बन जाने वाले पराठों की रेसिपी आपको कैसी लगी, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
अच्छी लगी हो तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दूसरी ऐसी हेल्दी रेसिपीज और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बाजू में जो बेल आइकन दिया है उसे भी प्रेस कर देना ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।